तहमिया खान मकबूजा कश्मीर में मैसूर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से रैली का इनेकाद। रहीमिया खान रैली की क्यादत DPO असद सरफराज ने की। मजीद तफसील जानते हैं मुनीर अहमद की इस रिपोर्ट में। रहीमिया खान मकबूजा कश्मीर में मैसूर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से रैली का इनेकाद। रैली की क्यादत DPO असद सरफराज ने की। रैली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शेख मोहम्मद ताहिर, असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भागत, रियासत अली ने शिरकत की। PTI रहनुमा चौधरी फारूक वड़ैत, चौधरी नईम शफीक समेत सिविल सोसाइटी और शहरियों ने शिरकत की। कश्मीरी अवाम ने अपने खून से नई तारीख रकम की। कश्मीरियों की आजादी तक इनकी हर सतह पर हमायत जारी रखी जाएगी। इस दिलेराना जद्दोजहद आजादी की मिसाल नहीं। DPO असद सरफराज का कहना था, पाकिस्तानी कौम अब कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ी है। भारतीय मसला फौज की कश्मीरियों पर गैर इंसानी सलूक के भरपूर मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी अकवामे मुत्तहदा कश्मीरियों के हक खुद इरादियत दिलाने में अपने किरदार अदा कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शेख ताहिर का कहना था, वज़ीरे आज़म इमरान खान की कॉल पर पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। PTI रहनुमा फारूक वड़ैत का कहना था, वज़ीरे आज़म इमरान खान मसला कश्मीर के मुनसफाना हल के लिए अमली तौर पर कोशां हैं। चौधरी नईम शफीक का कहना था। कैमरामैन अदनान नजीर के साथ मुनीर अहमद, राज न्यूज़, रहीमयार खान।